लेंस के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध बताने वाला लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला। आइए इसे हम अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस में समझते हैं। देखिए, ये हमारा L एक अवतल लेंस है और ये O इसका प्रकाश केंद्र है। ये यहाँ ये जो F आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा बड़े आकार में, ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस है, ये F इसका प्रथम मुख्य फोकस है। तो यहाँ हम इसका उपयोग करेंगे, ये हमारा द्वितीय मुख्य फोकस है इस लेंस का। अब हमें चूंकि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध लेना है, तो एक वस्तु को यहां रखना होगा। तो चलिए मान लीजिए कि हम वस्तु को अनंत और फोकस के अलावा इस लेंस के सम्मुख कहीं भी रख दें, तो प्रतिबिंब केवल एक ही तरह से बनेगा। तो चलिए हम यहां कहीं रख देते हैं वस्तु को। ये देखिए, हमने वस्तु ए बी को ये यहाँ F और F2 के बीच में रख दिया है और अब हम देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए, वस्तु के शीर्ष A से चलने वाली एक प्रकाश की किरण इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखिए ये इस तरह से, ये जो किरण आई है ये एडी है और अपवर्तन के पश्चात ये इस तरह से निकल जाती है और ऐसा लगता है जैसे ये इस तरह से जा रही है और ऐसा लगता है जैसे ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो एक प्रकाश की किरण आपने मुख्य अक्ष के समांतर भेज दी, ये आपकी मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक प्रकाश की किरण भेजी और ये प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस मार्ग पर निकल गई और ऐसा लगा जैसे ये फोकस से आ रही हो। एक अन्य प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र की दिशा से भेजी गई तो वह सीधी निकल गई। तो वस्तु से आने वाली हमने दो किरणें ली है, एक मुख्य अक्ष के समांतर जो इस तरह से निकल गई और ऐसा लगा जैसे फोकस से आ रही हो, और एक प्रकाश केंद्र की दिशा से जाने वाली किरण जो सीधी निकल गई। अगर हम इन दोनों निर्गत किरणों को पीछे ले जाते हैं, इसको भी पीछे लाएंगे, इसको भी पीछे लाते हैं, तो इस तरह से ये यहां मिलती है और ये यहां इस वस्तु ए बी का ये हमें सीधा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आर एस मिलता है और ये मिलता है इसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में उसी तरफ। तो हमें जान लेना चाहिए कि अवतल लेंस में अगर वस्तु अनंत और फोकस के अलावा कहीं भी रखी हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा इसी तरीके से प्राप्त होता है। चलिए अब हम यूवीएफ में संबंध लेने जा रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो यू वी और एफ की जो दूरियां हैं वो कौन कौन सी है। तो वस्तु की दूरी को हम बोलते हैं यू, तो वस्तु हमारी है ए बी, तो इसके प्रकाश केंद्र ओ से ये बी तक की जो दूरी होगी वो कहलाएगी वस्तु की दूरी, क्योंकि ए बी हमारी वस्तु है। आर एस हमारा प्रतिबिंब है, तो ओ से एस तक की जो दूरी होगी वो कहलाएगी प्रतिबिंब की दूरी, जिसे हम वी बोलते हैं। वस्तु की दूरी को हम यू बोलते हैं, तो ओ बी को हम यू बोलेंगे और ओ एस को हम वी बोलेंगे। और ओ से लेकर एफ तक की जो दूरी है, इस द्वितीय मुख्य फोकस तक की जो दूरी है, उसे हम फोकस दूरी एफ कहेंगे। और हमें रिलेशन इन्हीं दूरियों में लाना है, ये यू में, ये वी में और ये एफ में। चलिए करते हैं शुरुआत इन दूरियों को शामिल करते हुए। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ओ को देखते हुए आप यहां से देखिए ए बी ओ और आर एस ओ, ये जो दो त्रिभुज हैं ये आपको समरूप दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज आर एस ओ समरूप हैं। अब समरूप में हम जानते हैं कि संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, तो इसकी ये भुजा हो गई ए बी और इसकी ये भुजा हो गई आर एस, तो ए बी बटे आर एस बराबर हुआ। अब देखिए इसकी भुजा देखिए,
OB आधार भुजा और इसकी आधार भुजा देखिए OS, तो ये अनुपातिक हो गई OB बटे OS, किसके बराबर हो गई AB बटे RS के। देखिए लंब भुजा इसकी देख लीजिए, AB इसकी लंब भुजा, तो लंब भुजा बटे लंब भुजा, तो AB बटे RS। इसकी आधार भुजा देखिए OB ABO में, और इसकी आधार भुजा देखिए OS, तो OB बटे OS, ये आधार बटे आधार हो गया। तो लंब बटे लंब बराबर आधार बटे ये हो गया आधार, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, जिसमें आया AB अपान RS इज इक्वल टू OB अपान OS। अब देखिए यहां देखिए, ये DO से आप देखिए कि DOF को देखिए और RSF को देखिए, यहां भी आपको एक समरूप त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, समरूप त्रिभुज का जोड़ा दिख रहा होगा। देखिए आप DOF और RSF ये भी समरूप है, जिस तरह से देखिए यहां पर आपके दो समरूप त्रिभुज थे ABO और RSO, यहां देखिए आप DOF और RSF ये समरूप है। तो देखिए यहां भी वही कीजिए, लंब बटे लंब, तो DO बटे RS, संगत भुजा अनुपातिक करना है, आधार बटे आधार लीजिए तो क्या होगा ये OF बटे SF, ठीक है, ये आधार बटे आधार हो गया OF बटे SF। भाई इस ट्राइंगल के अंदर ये जो DOF है, इस ट्राइंगल में लंब कौन है DO, और RSF में ट्राइंगल में लंब कौन है RS, ठीक है। DOF में आधार कौन है OF, और RSF में आधार कौन है SF, तो हो गया DO बटे RS लंब बटे लंब, और हो गया OF बटे SF आधार बटे आधार। अब आप देख लीजिए इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आप यहां ध्यान से देखिए, इसमें आप ये AB बटे RS बराबर OB बटे OS इक्वेशन नंबर 1, और DO बटे RS बराबर OF बटे SF इक्वेशन नंबर 2। मतलब हमने क्या किया कि आप ये प्लान कर लीजिएगा कि पहले O को लेकर दो समरूप त्रिभुज बनाना है, फिर F को लेकर दो समरूप त्रिभुज बनाना है, ये याद रखने का तरीका है। O को लेकर दो समरूप त्रिभुज, F को लेकर दो समरूप त्रिभुज, अपने आप ये बन जाएंगे। अब यहां ध्यान से देखिए आप, ये लिखा है AB अपान RS, ये लिखा है DO अपान RS। ये AB और DO को ध्यान से देखिए, यहां देखिए आप ये DO और ये AB, ये तो दोनों इक्वल है ना, ये दो पैरेलल लाइंस ही तो है, ये समांतर है इसके, हमें पता है, और ये इनको मिला रही है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है बराबर है। तो AB इज इक्वल टू हो गया DO, तो DO के प्लेस पर अगर आप AB लिख देते हैं तो फिर ये भी AB अपान RS हो जाएगा। तो इस हिसाब से समीकरण नंबर 1 और 2 में ये लेफ्ट हैंड साइड की जो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ये RHS भी इसकी इक्वल हो जाएगी, मीन्स OB अपान OS इज इक्वल टू OF अपान SF। तो हमने समीकरण नंबर 1 और 2 से प्राप्त कर लिया OB अपान OS इज इक्वल टू OF अपान SF। अब देखिए यहां एक बात और मैं कहना चाहूंगा, वो ये है कि जब भी आप चिन्ह परिपाटी से लेंस में या दर्पण में आप मान रखते हैं, तो लेंस में आप ध्यान रखिएगा कि दूरियों में अगर प्रकाश केंद्र शामिल हो तो दूरियां नापना हमारा आसान होता है। तो फिर ऐसे में यहां देखिए ओ शामिल है प्रकाश केंद्र, ओ शामिल है प्रकाश केंद्र, ओ शामिल है प्रकाश केंद्र, लेकिन यहां ओ शामिल नहीं है SF में, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहा है। तो यहां भी हमें ओ को लाना चाहिए ताकि हम दूरी को आसानी से नाप सके, लिख सके। तो देखिए OB अपान OS को चलने दीजिए, OF भी चलने दीजिए, SF को देखिए SF, तो ये हो जाएगा OF माइनस OS, तो हमने SF को लिख दिया, देखिए ये SF है, तो OF माइनस OS, तो ये OF माइनस OS हो गया, ठीक है। तो अब हमने कहा कि चिन्ह परिपाटी से आप वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए अब एक एक वैल्यू पुट करेंगे जो मैंने यहां बिल्कुल क्लियरली शो नहीं किया है, एक्चुअली वो थोड़ा सा जिज्ञासा भी बनी रहना चाहिए। हम कह रहे थे कि OB क्या है, देखिए OB पर बात करते हैं, यहीं से चलेंगे, एक एक लीजिएगा OB, तो OB क्या है, AB हमारी वस्तु थी, तो OB वस्तु की दूरी है, O से लेकर B तक की दूरी वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को हम व्यक्त करते हैं U से, लेकिन ये दूरी लेफ्ट हैंड साइड की है, चिन्ह परिपाटी से हमें पता है कि लेफ्ट की दूरियां माइनस होती है, तो ये U किसका हो जाएगा, U हो जाएगा माइनस का, तो हम लिखेंगे OB को माइनस U। अब OS को देख लीजिए, ये इसके बाद OS का नंबर है, OS को देख लीजिए, अब OS एक्चुअली है क्या, ये RS पे क्या है, RS प्रतिबिंब है, तो फिर OS क्या हुआ, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं V, लेकिन ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है लेंस के, तो फिर इसको भी हम लिखेंगे माइनस V, ठीक है। अब देखिए OB हो गया, OS हो गया, OF, ये देखिए OF फोकस दूरी, अब ये भी किधर है,
लेफ्ट हैंड साइड की ओर है, एफ तो लिखना ही है, लेकिन किसका लिखेंगे, माइनस का, तो ये ओ एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ। अब तो आपको बस यहां वैल्यू पुट करना है, किस में वैल्यू पुट करना है, ओ बी अपान ओ एस इज इक्वल टू ओ एफ अपान ओ एफ माइनस ओ एस। ये सारी वैल्यूज आपके पास सामने पड़ी है, ओ बी वस्तु की दूरी को लिखना है माइनस यू, ओ एस प्रतिबिंब की दूरी को लिखना है माइनस एफ माइनस बी, और ओ एफ फोकस दूरी को लिखना है माइनस एफ। तो चलिए इस इक्वेशन नंबर फोर का हम यूज करेंगे। देखिए अभी तक आपने जो किया है, एक बार और हम बात कर सकते हैं उस पर, कि आप अगर अवतल लेंस लेते हैं, कॉनकेव लेंस लेते हैं, और उसमें अगर आप यूवीएफ में रिलेशन निकालते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वस्तु को आप उसकी अनंत और फोकस के अलावा कहीं भी रख दीजिएगा, तो प्रतिबिंब प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा हमेशा छोटा आभासी सीधा और उसी ओर बन जाएगा इस तरह से। और फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि दो समरूप त्रिभुज लीजिएगा, एक समरूप त्रिभुज का जोड़ा आप दो समरूप त्रिभुजों के जोड़े लीजिएगा, एक जोड़ा आप लीजिएगा ओ से तो ये बन जाएगा ए बी ओ आर एस ओ, और एक जोड़ा आप ले लीजिएगा एफ से जो बन जाएगा डी ओ एफ और आर एस एफ। और दोनों समरूप त्रिभुजों के इस तरह से जोड़े बनाने के बाद उनकी संगत भुजाओं को अनुपातिक कीजिएगा, इक्वल कर दीजिएगा, और बाद में एल एच एस जब इक्वल होगी तो आर एच एस इक्वल होगी। फिर आप ओ ओ ओ, यहाँ ओ नहीं है तो इसको भी ओ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर चिन्ह परिपाटी समय इसका मान रखना है। चलिए आइए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ये इक्वेशन नंबर फोर थी हमारी, ओ बी अपान ओ एस इज इक्वल टू ओ एफ अपान ओ एफ माइनस ओ एस। और हमने बात की थी कि ओ बी क्या है, ओ बी वस्तु की दूरी माइनस यू, ओ एस प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी, और ओ एफ फोकस दूरी माइनस एफ। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, ओ बी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, माइनस यू। समीकरण फोर में वैल्यू पुट कर दीजिए, ओ बी के प्लेस पर माइनस यू, करेक्ट, ओ एस के प्लेस पर माइनस वी, ये माइनस यू अपान माइनस वी हो गया। फिर ओ एफ के प्लेस पर देखिए ओ एफ लिखा है, ओ एफ के प्लेस पर माइनस एफ, फिर ओ एफ के प्लेस पर माइनस एफ, और ये माइनस का साइन तो यहां है ही, और फिर ये ओ एस के प्लेस पर माइनस वी, ठीक है, ये ओ एस के प्लेस पर माइनस वी। ये सारी वैल्यूज आप रख चुके हैं। चलिए इसके बाद आप क्या करेंगे, बिल्कुल अब आप ही कर दीजिए, क्या करेंगे आप, ओके, आप सबसे पहले सोच रहे होंगे ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, बिल्कुल बढ़िया, और ये दो माइनस है तो यहां आप प्लस कर दें। चलिए अगली स्टेप में यही कर लीजिए, ये दोनों माइनस कैंसिल कर दिया आपने, और ये दो माइनस होने थे ये प्लस कर दिया आपने। अब आपको जो दिखाई दे रहा हो करिए, तो आपको दिख रहा होगा कि मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, तो चलिए कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए क्या हुआ, माइनस यू एफ प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस वी एफ, ठीक है। अब हमारे जो फार्मूला है वो तो वन अपान में है, और यहाँ तो ये सीधे सीधे आ गए हैं, तो देखिए हम यहाँ यू वी एफ से अगर इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला सब में ये रहता है, एंड में यू वी एफ से डिवाइड करना पड़ता है, तो देखिए दोनों पक्षों को यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए आप। तो देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये देखिए माइनस यू एफ अपान यू वी एफ प्लस यू वी अपान यू वी एफ इज इक्वल टू माइनस वी एफ अपान यू वी एफ। चलिए यू एफ से यू एफ कैंसिल कर दीजिए, माइनस वन अपान वी, यू वी से यू वी कैंसिल कर दीजिए वन अपान एफ, ठीक है, और वी एफ से वी एफ कैंसिल कर दीजिए माइनस वन अपान यू, ओके। और फार्मूला को हमेशा क्या करना चाहिए, फोकस दूरी की टर्म्स में लेकर जाना चाहिए, तो वन अपान एफ को रोक लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये क्या होगा, वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान वी, माइनस का इधर आया तो प्लस का हुआ माइनस वन अपान यू। ये हमारा लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए यू वी और एफ वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच में हमने संबंध निकाल दिया है। आप ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए या उत्तल लेंस के लिए हमने जो पहले वीडियो में जो फार्मूला निकाला था उसमें लगभग 80% ये बिल्कुल वैसा का वैसा रखा है, केवल दो बातें बदली है, एक डायग्राम चेंज हुआ है और दूसरा चिन्ह परिपाटी से वैल्यूज चेंज हुए, बाकी ट्राइंगल तक हमने वही रखे हैं, समरूप त्रिभुज वही रखे हैं, पूरी वैल्यूज वही रखी है, तो आप उसे भी अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।